आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी क्या बड़ी, उनके विभाग के जिम्मेदार लोगों के मुंह से काली कमाई की लार भी टपकती नजर आ रही है। खुलेआम भ्रष्टाचार की काली कमाई की मांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से होने का मामला सामने आया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हर महीने काली कमाई देते हैं, अब परेशान हो चुकी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने तो स्टिंग ऑपरेशन भी कर डाला। खुलेआम काली कमाई की लूट की चर्चा अब सार्वजनिक हो चली है और मामले में शिकायत कलेक्टर राकेश कुमार श्रीवास्तव तक जा पहुंची है। आरोप लग रहे हैं कि सावन सेक्टर की पर्यवेक्षक श्वेता जैन पर आमली खेड़ा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की काली कमाई का जो भूत सवार हुआ है उसकी भूख प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे आरोप पुष्पा मेघवाल ने एक लिखित शिकायत के द्वारा लगाए हैं। काली कमाई की भूख का खुलासा भी किया है। 1000 रुपये की भ्रष्टाचार की काली कमाई इकट्ठा करना है तो कार्यकर्ता नियुक्त भी किए गए हैं। पहले भी 500-500 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर निजी कंप्यूटर भी खरीदे गए हैं और काली कमाई की सरगना के घर ले जाने की बात भी सामने आई है। कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो इतनी परेशान है कि वह भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर जीवन लीला समाप्त करती भी कहती नजर आ रही है। अब देखना है कि काली का सवार सुपरवाइजर पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या ऊपर तक बढ़ता है तभी तो मामला दबता है कि क्या वह चरितार्थ होगी। नीमच से संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट। हमारे परिचित हैं जी श्वेता जी, उनके खिलाफ आए हैं जो हमसे अवैध वसूली करते हैं। किस तरीके अवैध वसूली करता है? जैसे हमारे सदस्य समिति की जो हमारा रिकॉर्ड है और हमारा आंगनबाड़ी केंद्र का जो एक नंबर का जो रिकॉर्ड है वो उनके पास है और उनको लेकर वो कहते हैं कि ये रिकॉर्ड ले जाओ पैसे। और कल जो है कार्यकर्ता का फोन आया कि मैं उनको 1000 रुपये देना है, इकट्ठे करो। तो फिर आप लोगों ने इकट्ठे किए? जी हमने तो नहीं दिए, तो और कार्यकर्ता ने सभी किए हो दिए भी लेकर। जो फोटो बता रहे हो वो फोटो किस चीज़ का है? वही वो है ना, वो हमारे साड़ियों के लिए पहले 1200-1200 रुपये ले लिए, उसके बाद बोले कि अरे यार हमको बिल देना है आगे तो 400-400 रुपये और, तो हमने 400-400 रुपये और वो साड़ियों के बिल के लिए। अभी तक कितनी अवैध वसूली कर चुकी है आपसे? लगभग साल भर से, तो वो हर महीने हमसे 400-500 रुपये वसूल। तो क्या आपने पहले कभी शिकायत करी इस मामले में? नहीं करी सर, हम डरते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसको मान दिया तक काट दिया जाता है, और उनको ये कहते हैं कि 3 लेटर और नौकरी से निकाल। तो आज कैसे डर निकल गया आपका और आज का हद हो गई ना, हद हो गई है वसूली। क्या कह कर लेते हैं आपसे पैसे की वसूली, किस क्या कह कर लेते हैं? यही कि हमको चाहिए और आगे हमको जिले में देना है। शिकायत नहीं करती है और जो इनको पैसे नहीं देते और ईमानदारी से काम करती है उनके उनसे ज़बरदस्ती वसूली की जाती है, और वसूली नहीं देने पर उनको परेशान किया जाता है। शाम सुबह जाते हैं केंद्र पे और फोटो खिंचवा लेते हैं केंद्र का और बोलते हैं तुम केंद्र पे नहीं हो। इसी प्रकार के ही जैसे अमली भाट है, इसी प्रकार एक सेमली गाँव है, वहाँ पर भी उस कार्यकर्ता का 27 दिन का वेतन काटा गया, और इसी प्रकार से इनको परेशान कर करके और ये करते हैं। तो आज इनकी शिकायत मेरे को मिली, उस शिकायत के अभाव में मैंने इनको कलेक्टर कार्यालय बुलवाया, कलेक्टर साहब से मिलवाया, सिंह साहब से चर्चा हुई है, और हम चाहते हैं कि महिला बाल विकास को छोड़ करके किसी अन्य विभाग से इनकी जांच करवाई जाए, सत्य तथ्य सब सामने आ जाएंगे। क्या आश्वासन दिया आपसे मिले? हमारे बयान भी लिए हैं और इन कार्यकर्ताओं के बयान भी लिए हैं, और ये इनको दबाती ज़्यादा है इनको, मतलब अगर तुमने काम नहीं पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारा वेतन काट देंगे, और कई कार्यकर्ताओं का वेतन काटा गया है।